नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल JMD डिजिटल MP में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई वार्जन पोर्टल पर आप किसानों की रबी की फसल का या किसानों की गेहूं चने की फसल का कैसे सेल के लिए या विक्रय के लिए आप कैसे इनका पंजीयन करेंगे, और साथ ही पंजीयन करने के लिए आपको एक कियोस्क ID की ज़रूरत पड़ेगी या ऑपरेटर ID की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक कियोस्क संचालक बनकर आप इस पोर्टल पर या ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों की रबी की फसल का पंजीयन कर सकेंगे। तो आपको ऑपरेटर ID या कियोस्क ID के लिए पंजीयन कैसे करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। साथ ही आपको पंजीयन करते टाइम कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा, और साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलता रहता है आपको इसी प्रकार CSE और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर PC की स्क्रीन पर। आपको भी अपने कंप्यूटर PC की स्क्रीन पर आने के बाद सिंपल सा कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपल सा गूगल में यहाँ पर लिख देना है आपको ई उपार्जन। इस टाइप से आपको लिख कर सर्च कर देना है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट आती है, जो URL आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंपल सा इसे ओपन कर लेना है, जिसमें आपको लिखा रहता है MP उपार्जन, उसकी वेबसाइट दी रहती है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट का देख सकते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखेगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट URL आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा रहता है इस टाइप से सर्विस मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किसान की जो रबी की फसल है उसका पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उससे पहले आपको सिंपल सा एक ऑपरेटर ID या कियोस्क संचालक के लिए लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है अन्य उपयोगकर्ता, यहाँ पर देख सकते हैं अन्य उपयोगकर्ता। तो आपको सिंपल सा इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए यहाँ पर पंजीयन या पंजीकरण। इस टाइप से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन। तो आपके पास अगर ID बनाया है, आपने पिछले साल भी किया होगा या और कभी आपने किया हो, तो अगर आपके पास कियोस्क ID है तो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कियोस्क पंजीयन निर्धारण, तो यहाँ पर देख सकते हैं नया पंजीयन करेंगे तो आपको सिंपल सा ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं कियोस्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश शासन, तो इस टाइप से मिल जाएगा। अब देख सकते हैं आपको एक फॉर्म मिल गया है, यहाँ पर एक नया का ऑप्शन दिख जाता है नया ऑपरेटर या नया कियोस्क के लिए। आप यहां पर क्लिक करेंगे और नया पंजीकरण करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस फॉर्म में देख सकते हैं आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आपको अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, अपनी तहसील को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना गांव जो भी है आपका कस्बा गांव को सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले देख सकते हैं अगर आपके पास पंजीयन ऑलरेडी है तो उस पंजीयन को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और किस ऑप्शन से सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर और आधार नंबर से, जो भी ऑपरेटर हो कियोस्क उनके यहाँ पर मोबाइल आधार से आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे इस वीडियो में पंजीयन नया करके दिखाने जा रहा हूँ, तो नया पंजीयन के लिए आप देख सकते हैं आपको अपना जिला तहसील और ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं संस्था का यहाँ पर प्रकार चुने, तो आपके पास कौन सी संस्था है, जैसे कि आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास लोक सेवा केंद्र का ID है या फिर MP ऑनलाइन है या कॉमन सर्विस सेंटर है या फिर साइबर कैफे है और या फिर ग्राम पंचायत का, या देख सकते हैं आपके पास इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर MP ऑनलाइन की ID है और कॉमन सर्विस सेंटर भी हमारे पास, तो या जो भी ऑप्शन आपके पास हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ID है कि MP ऑनलाइन की ID आपने अगर सिलेक्ट किया है तो MP ऑनलाइन की ID को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद में कियोस्क संचालक का नाम, यहाँ पर संचालक का नाम डाल देना है, जो भी जिस ID का मालिक हो या जो ID चलाता है उनका यहाँ पर नाम डालेंगे। आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे, आधार नंबर फिर से आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद में ईमेल ID आपको इंटर कर लेना है, आपका पता मतलब आपका एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद में सत्यापन करें इस ऑप्शन पर आपको चेकमार्क कर लेना है। चेकमार्क करने के बाद देख सकते हैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, एक निर्देश दिया है, तो आपको अच्छे से इसे रीड कर लेना है। रीड करने के बाद देख सकते हैं इतनी सारी सही सही डिटेल डालेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं एक सेंड OTP मतलब सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं OTP सत्यापन होने के बाद आपको ऑपरेटर का यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिनको भी आप इस ID को या इस ID को चलाने के लिए ऑपरेटर रखना चाहते हैं उनका यहाँ पर नाम डालेंगे, उनका यहाँ पर ईमेल ID डाल देंगे, उनका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर को आपको फिर से इंटर कर लेना है मतलब री इंटर कर लेना है।
उसके बाद में ऑपरेटर का यहाँ पर पता है आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में ऑपरेटर के मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, तो यहाँ पर वो आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर उस वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी को डाल देना है। उसके बाद में देख सकते हैं कृपया यहाँ लोक सेवा केंद्र ऑनलाइन कियोस्क अमन संतोष सर्विस सेंटर या जो भी हो आपको देख सकते हैं यहाँ पर का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस है वो यहाँ पर इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगी। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली इस टाइप से आएगा, आपको ओके प्रेस कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं आपको यहाँ पर सुरक्षित मतलब सेव करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आगे कुछ इस टाइप से प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर ऑपरेटर जानकारी यहाँ पर सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है, मतलब ऑपरेटर की जो जानकारी उसे सफलतापूर्वक सक्सेसफुल आपको यहाँ पर सेव कर दिया गया है। अब आपको सिंपल सा इसे ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आपका जो पंजीयन है उसे वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक आप लॉगिन करके अपने किसानों का यहाँ पर ई उपार्जन की वेबसाइट पर जो पंजीयन कर सकेंगे गेहूँ चने या रबी की फसल का। तो इस टाइप से आपको ऑपरेटर आईडी आपको इस टाइप से रजिस्ट्रेशन कर लेना है ऑपरेटर आईडी के लिए या कियोस्क आईडी के लिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिया है कि आप ई उपार्जन की वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपको कैसे ई उपार्जन के लिए ऑपरेटर बनना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।